जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है. तो बेसिकली सूर्य क्या होता है एज अ प्लैनेट, यू नो, जब सब लोगों को अपने अपने कुंडली के बारे में नहीं पता होगा, हो सकता है किसी को पता हो, कोई कभी पंडित के पास गया हो, किसी ने अपनी पत्री दिखाई हो, किसी को बिल्कुल आइडिया ना हो, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सन हमारे कुंडली में स्ट्रांग है कि नहीं. अगर सन वेल प्लेस्ड है, किसी चीज से पीड़ित नहीं है और अच्छे कंडीशन में है, तो वो इंसान को एक राजा की तरह बनाता है, किंग लाइक, यू नो. तो राजा के क्या क्वालिटीज होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज. राजा सबको लीड करता है, आगे चलता है, पूरी प्रजा उनके पीछे चलती है. तो अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है आपके चार्ट में, तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटीज आएंगे. ओके, आप लोगों को एक अच्छी राय दे पाएंगे, लोग खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगे, आपके चेहरे पे एक तेज होगा. आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे लोग आपसे सजेशंस लेने के लिए आपके पास आते हैं, आपके ओपिनियंस लोगों को मैटर करते हैं. जिनका सन स्ट्रांग होता है उनकी रिलेशनशिप अपने फादर के साथ बहुत अच्छी रहती है, और जिनका सन कमजोर होता है, ये कुछ लक्षण हैं जो मैं बता रही हूँ, नॉट नेसेसरली ऑल ऑफ देम, बट ज्यादातर ऐसे ही होता है कि जब आपकी रिलेशनशिप आपके फादर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, खराब होती है, तो कहीं ना कहीं आपका सन कमजोर होता है. कभी कभी सिचुएशंस में ये भी होता है दैट एट अ वेरी यंग एज यू लूज योर फादर, बचपन में यू नो फादर नहीं रहे. जब इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वन कैन रियली से दैट योर सन इज वीक इन योर चार्ट्स. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अथॉरिटीज होते हैं, बॉसेस होते हैं, कुछ भी कर ले आपकी उनसे कभी नहीं बनती. इसके अलावा आप में एम्बिशंस नहीं होते अगर आपका सन कमजोर होता है. एम्बिशंस होते भी है तो उनको फुलफिल करने की क्षमता नहीं होती. एक तरीके की हमेशा एक थकान महसूस होती है बॉडी में. हेल्थ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम नहीं होती. आप थोड़े लेजी होते हैं, घिसट घिसट के अपने पैर को चलाते हैं. सो ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में होती हैं, समवेयर इट डिनोट्स दैट योर सन इज वीक इन योर चार्ट्स और स्ट्रांग इन योर चार्ट्स. द पॉजिटिव्स आर स्ट्रांग एंड द नेगेटिव्स आर वीक. तो अगर ऐसे लक्षण हैं आपके लाइफ में, अनिमिक भी हो सकते हैं आप, यू नो. सो अगर ऐसे लक्षण हैं तो आपको क्या करना चाहिए, विदाउट इवन शोइंग योर हॉरोस्कोप और फाइंडिंग आउट अबाउट योर हॉरोस्कोप, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगी आपको जिससे आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग कर सकें और ये सारे लीडरशिप क्वालिटीज, एम्बिशंस अचीव करने की क्षमता, ये सारी चीजें आपको इससे आ सकती है. सो फर्स्टली अगर हम सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि वो सुबह अपने टाइम से उठते हैं. ऐसा तो है नहीं कि आज 6 बजे आए और कल 12 बजे दोपहर को आएंगे. ऑलवेज कम्स आउट ऑन टाइम. तो अगर आपने अपना सन स्ट्रांग करना है, अगर आपने ये लीडरशिप क्वालिटीज अपने लाइफ में रखने हैं, तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाए. तो टाइम से उठे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, काम को अधूरा ना छोड़ें. कितना भी मुश्किल लगे अपने आप को पुश करें, अपने माइंड को पुश करें और बोले अगर मैंने ये जिम्मेदारी अपने सर पे उठाई है तो मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा. अगर मैंने किसी को कोई कमिटमेंट दी है तो मैं वो कमिटमेंट पूरा करूंगी हर हाल में. बी वेरी डिसिप्लिन अबाउट टाइम. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके फादर हैं, अगर फादर हैं तो बहुत अच्छा, उनके साथ अपना रिश्ता ठीक करें. फादर नहीं है तो जो फादर फिगर है आपके लाइफ में, आपके फादर इन लॉ हैं, आपके अथॉरिटीज हैं, बॉसेस हैं, बेफिजूल उनसे लड़े ना, उनसे आर्ग्यूमेंट्स में ना जाए, कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में मिठास लाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा, कोई ना कोई बॉडली एक्टिविटी अपने लाइफ में जरूर डालें. जैसे सुबह उठ के वॉक पे जाए, जॉग पे जाए, रन पे जाए और इसको एक रेगुलर फीचर बना लें. ऐसा करने से ऑटोमेटिकली जो सन है आपके चार्ट्स में स्ट्रांग हो जाएगा और आप बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे. सुबह के टाइम आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं. अगर आप ज़्यादा रिलीजियस हैं और इस तरीके का डिसिप्लिन अपने लाइफ में ला सकते हैं, तो जब सुबह सूर्योदय का टाइम होता है उससे लेकर अगले 1 घंटे तक आप सूर्य को जल दे सकते हैं. अब सूर्य को जल देने की एक पर्टिकुलर तरीका है जिसको आप फॉलो करें, नहीं तो फायदा नहीं होता. जब जल दे रहे हैं तो एक तो सुबह उठ के दें, 1 घंटे के अंदर दें सूर्य उदय के बाद, और जो कॉपर का यूटेंसिल आप लेते हैं उसको अपने सर के ऊपर से जल डालें, मतलब रेज योर हैंड हाई,
तो जब जल ऐसे गिरता है तो सूर्य और आपके बॉडी के बीच में जो जल आता है उससे जो एनर्जीज आते हैं, जो ऊर्जा आती है, वो एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर को देती है। सो उससे आप स्ट्रेंथन होते हैं। इसके अलावा रोज सुबह आप 108 बार सूर्यदेव का बीज मंत्र भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओम श्री सूर्याय नमः। सो डूइंग दीज थिंग्स विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर सन। अगर आप में पावर, स्ट्रेंथ और एम्बिशन टोटली लैकिंग है, तो एक और छोटा सा टिप दूंगी जो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, और वो है कि आपके घर का जो साउथ जोन है उसमें कोई लाल रंग इस्तेमाल कर ले, चाहे लाल रंग के फूल लगा दे, या लाल वॉल पेंट कर दे, या लाल कर्टन्स लगा दे, लाल कुशन्स रख दे। ऐसा करने से भी जो आपके अंदर की जो पावर एंड स्ट्रेंथ जो लैकिंग है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फेम और सक्सेस भी आएगा। एक और लास्ट छोटी सी टिप टू स्ट्रेंथन योर सन, जो फेन्युग्रीक सीड्स होते हैं ना, जिसको हम मेथी सीड्स कहते हैं, उसको पानी में उबाले, एक पैन भर के पानी उसमें डाले, जब पानी आधा हो जाए, हाफ अ पैन, उसको स्ट्रेन करके चाय, तो उसमें थोड़ी सी हनी डाल दे और उसको चाय की तरह रोज पिए। ऐसा करने से जो सन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वीक आई साइट, वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाती हैं, अंदर से यू स्टार्ट टू फील हेल्दियर। सो ये कुछ चीजें थी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, कि किस तरीके से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, जो आपके आत्मबल को दर्शाता है, सन इज अ प्लैनेट।